मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दाऊद से इंडिया लौटने के बाद सीधे इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने आपकी सरकार आपके द्वार स्कीम के तहत विभिन्न सरकारी दस्तावेजों की डिलीवरी घर तक करने की योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश बदल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल गैस कांड के नाम से हमारे प्रदेश की पहचान बनी हुई है, जिसे हम बदलना है। कमलनाथ ने कहा कि 2004 में आईफा अवार्ड की पहचान इंटरनेशनल बनाने में उन्होंने जो मदद की थी, उसी का नतीजा है कि उनके आग्रह पर यह अवार्ड फंक्शन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर, इंटेलिजेंस और रोबोट क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बड़े निवेश की बात हुई है, जिस पर जल्द अमल नजर आएगा। देखिए इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। सर दावोस में सर आपने बताया, लेकिन और क्या उपलब्धि रही सर विशेष मध्य प्रदेश के लिए? सर दावोस से मध्य प्रदेश के लिए और क्या उपलब्धि है सर? अमेजन के बारे में बात हुई थी, कुछ डिटेल बताएं। मैं उपलब्धियां गिनाना नहीं चाहता जी सर, ये मेरा सिस्टम नहीं है। पर वहाँ जी सुबह से लेकर रात तक जी जो चर्चा है मुझे पकड़ लो आगे विश्वास होगा। मध्य प्रदेश जैसे मैंने अभी कहा कि पहचान अगर भोपाल गैस की है, और ये बात सही है, किसी ने मुझसे पूछा मध्य प्रदेश देखा, कहते भोपाल गैस, भोपाल गैस, तो मैंने कहा ये बड़ी दुख की बात है, वो मध्य प्रदेश की पहचान भोपाल गैस से, ये हमें पहचान गैस कांड के बारे में। आईफा अवार्ड सर ऐतिहासिक होगा सर, ऐसी सब उम्मीद कर रहे हैं सर कि आईफा अवार्ड जो इंदौर में होने जा रहा है सर, उसको भी लोग एक ऐतिहासिक बने सर, इतिहास वो आप लोग को इसे ऐतिहासिक बनाना है, मैं आपको बता दूं, पर ये आप रिकॉर्ड मत करिएगा, ठीक है? ये मैंने बड़ी मेहनत से उनसे निवेदन किया था। मेरा उनसे संपर्क जब मैं वाणिज्य मंत्री 2004 में था, उस समय आईफा को कोई जानता नहीं था। आईफा को इंटरनेशनल स्टेज में लाने के लिए हाँ मैंने उस समय इनको आगे बढ़ाया था। इस दफे मैंने उन्हें कहा ये आप सर, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे इंदौर में कोई कमी नहीं, वो कहीं विदेश विदेश जाना चाहते थे, मैंने कहा इंदौर मुंबई से कम नहीं है, कोई बड़े शहर से कम नहीं है, आप इंदौर आइए। सर 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 कोई बिल आएगी सरकार जिस तरह से जितने भी जो राज्य हैं वो ला रहे हैं, जो हमें सोचना हम सोचेंगे। ये अभी डेवोस की बात करें, सीए की बात क्यों घुमा रहे हैं सर? सर सर सीएम साहब बहुत लाभ होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों करोड़ की में निवेश आएगा, जो लोग मध्य प्रदेश के बारे में सोचने लग रहे थे। एक उदाहरण के तौर में जैसे कोको कोला है, कोको कोला केवल कोको कोला नहीं बनाती, वो कृषि क्षेत्र में बहुत बढ़िया वेफर्स बनाते हैं सर। कृषि क्षेत्र में आज हमारे हरदा होशंगाबाद में, हरदा होशंगाबाद में कितनी वो कृषि क्षेत्र में भाग ले रहे हैं। आम आम का नाम मैं भूल गया, आम के कितने सारे पौधे उन्होंने लगवाए हैं लाखों की संख्या में। तो इस प्रकार इस मध्य प्रदेश में हमारा हॉर्टिकल्चर एरिया में बहुत स्कोप है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बने, आईटी तो सब कह देते हैं, पर आईटी में कौन सी चीज़? आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज दूसरे शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम शुरू नहीं हुआ। हम रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब चीज़ों में निवेश लाने का मेरा प्रयास। सीएम साहब आपने कहा कि इंदौर को बॉम्बे जैसा बनाएंगे, बॉम्बे में पुलिस कमिश्नर सिस्टम आ चुका है, ब्रॉडली एक्सपेक्टेड था कि शायद आप इंदौर में भी लेकर के आए सर कुछ। मैं चाह रहा हूँ सबकी सहमति बन जाए, जैसे बॉम्बे में भी चर्चा करिए, तो जिसमें जैसी सहमति बन जाती है, जो सबसे सही सिस्टम है, जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो मध्य प्रदेश। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।